बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें विधानसभा उपचुनाव का रण जो है वो शुरू हो चुका है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें बड़ी अपडेट, अहम जानकारी, 20% से ज्यादा मतदान हुआ है, विधानसभा उपचुनाव का रण शुरू हो चुका है और 20% से अधिक मतदान जो है वो यहां पर हो चुका है। तो बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है बड़ी और अहम जानकारी। आपको बता दें इसी के साथ बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार कई कंपनियां जो है यहां पर तैनात की गई हैं, तमाम सुरक्षा बल यहां पर तैनात किए गए हैं, पुलिस भी अलर्ट मूड पर है। तो सुजानगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें जो सामने आ रही है कि 20% से अधिक का मतदान जो है वो यहां पर हो चुका है। उपचुनाव 2021 सुजानगढ़ विधानसभा से हैं, जहाँ पे वोटिंग देने के लिए इस मतदान केंद्र पर काफ़ी लोग आए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सर्वप्रथम तो हम BLO से बात करेंगे, किस तरह की व्यवस्था की गई यहाँ पे? यहाँ पर यह सुजानगढ़ उपचुनाव में सरकार द्वारा सैनिटाइजर और ग्लव्स की व्यवस्था की गई है, ताकि कोरोना की रोकथाम हो सके और लोग सावधान रहें और स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ रह सके, ये BLO का कहना है हमारे बीच में। कहाँ से पधारे हैं आप? हम सुजानगढ़ के वासी है, वैसे इटली में रहते हैं और आज हमें मौका मिला है पार्टी को वोट देने का। वोट देने के लिए आप फॉरेन रहते हैं? फॉरेन रहते हैं, पर्सनली वोट मान लो कि पर्सनल वोट देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हस्बैंड वाइफ रहते हैं? हाँ जी, हम दोनों ये हैं पति पत्नी सुजानगढ़ के इस वार्ड में, जो कि इटली रहते हैं, वोट अपना वोट का प्रयोग करने के लिए आए हैं और वोट का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है। हमारे बीच में एक और जुड़ चुके हैं, वोट दे दिया आपने? हाँ। किन मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं? बस विकास होना चाहिए सुजानगढ़ में, विकास। आपका नाम भी विकास है, विकास होना चाहिए, ये कहना है। ये बहुत बड़ी बात है, इनका नाम विकास है, ये कह रहे हैं विकास होना चाहिए, विकास के लिए वोट करना चाहते हैं। कुछ लोग वोट देकर और आए हैं हमारे बीच में, उनसे बातचीत करेंगे। आपने वोट दिया है क्या, किस मुद्दों को लेकर वोट दिया? हमने स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल को उनके नाम पर वोट दिया है और उनके नाम पर ही कई शहर में विकास हुए, उन्होंने बहुत काम करवाए थे और उन्हीं मुद्दों को लेकर हमें विश्वास है कि आगे भी काम होंगे, उन मुद्दों पर हमने वोट डाला है। क्या आपको लगता नहीं स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल एक बड़े नेता थे? बहुत बड़े नेता थे हमारे क्षेत्र के। क्या समझ के वोट दे रहे हैं हम उनके श्रद्धांजलि के रूप में वोट दे रहे हैं? हमारे नेता युवा नेता मनोज भाई है, उनको विकास के रूप में वोट दे रहे हैं। युवा नेता विकास चाहते हैं और सरकार में जो है मंत्री स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल को श्रद्धांजलि देते हुए भी वोट दे रहे हैं इस वार्ड के लोग। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा सुजानगढ़।